हर कोई जानना चाहता है। सर आपका शो ऑफ एयर क्यों हो गया? खालिस गलतफहमी की बिना पर, खालिस गलतफहमी, गलतफहमी बिटवीन अस एंड सम इंस्टीट्यूशंस, पैमरा ऑल्सो। तो कि बहुत सारी चीज़ें जो एक होते हैं ना, बंदा पैरामीटर्स तय होना बाकी होते हैं, बंदा वाटर्स टेस्ट करने के लिए काम करता है, कोई गाइडलाइंस अभी आई ही नहीं। हाँ, तो उसे बंदा मना करता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। हमें जिंदगी भर लोग मना कर, मेरे कॉलम्स को, जिस तरह के मैं कॉलम्स लिखता था, जिस तरह के मैं शोज करता हूँ, आज मेरे बेशुमार दोस्त पहले मेरे नाकिद थे, मेरे शाकी थे। आप हैरान होंगी कि इंतहाई ज़्यादा दोस्ती, इंतहाई मोहब्बत चौधरीज़ के साथ, चौधरीज़ ऑफ गुजरात। चौधरी शुजात ने जो पहला फ़ोन किया था वो शिकायत का था। जनाब मैं जिन दिनों हस्ब ए हाल करता था, फिर एक बहुत ही लाजवाब दोस्त, इत्तफाक से वो भी इसी पार्टी का, कामिल अली आगा, हमारा आपस में बाकायदा एक झगड़ा हो गया था। और आज आलम यह है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव इन पॉलिटिक्स। इजाजुल हक, हुमायूं अख्तर, सो मैनी अदर्स। इमरान खान, यू विल नॉट बिलीव कि इमरान खान के बारे में मैंने एक ना इंतहाई फजूल, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो मेरा इंटरव्यू किया था समा के मेहमान में सोफिया मिर्ज़ा ने, तो मुझसे पूछा था, जिस पे मैंने कहा था वो मैंने वैसे चवल मारी थी, ये मेरे अल्फाज हैं। और ये एक मैंने कहा था कि मैं इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि अब इमरान के इक़्तिदार में आने के चांसेस ना होने के मुतरादिफ हैं, वरना पहले लग रहा था कहीं सचमुच प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। उसका वो धरना एपिसोड ख़त्म हो चुका था 2014। तब मैंने कहा था, एक मुखबरी मिली थी और काश मैं आपको बता सकता कि मुझे वो मुखबरी दी किसने थी। वो आज भी उसका इंतहाई करीबी दोस्त है, इंतहाई प्यारा दोस्त, हमारा भी इंतहाई प्यारा दोस्त है। उसने बदनीति के तहत नहीं दी थी, उसकी समझ के मुताबिक यही थी, मैंने वो कर दी। इमरान ने इतना माइंड किया, इतना ज़्यादा। मैं उन दिनों दुनिया टीवी में होता था, मियाँ आमिर को उसने शिकायत की और ऐसी कि आग बगुला हो गया। मैं फिर रुक गया, मैंने कहा कि मैं अब मज़ीद नहीं करता। होता है ना, आप अपनी खबर पे अड़ जाते हैं। जी हाँ, मुझे शक पड़ने लगा कि वाकई ये ओवर रिएक्ट नहीं कर गया, ये उसका नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन अब अगर मैंने माजरत की तो लोग कहेंगे कि ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर होने के इम्कान हैं, इसके जब इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो गए, देन आई सेट के वाकई मैं माजरत खाऊँ, ये चवल मारी थी मैंने, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी और इतनी बेहुदा थी। तो बाद में क्या हुआ, आज पूरी दुनिया को पता है इमरान के लिए मैं क्या हूँ, मेरे लिए वो क्या है। तो ये भी एक गलतफहमी हुई थी, हमने सोचा कि बाजवा साहब आप रिटायर हो गए, जो मर्जी करें। मतलब है तनकीद करनी है ना आपने, एक तो टिका के तनकीद करें, लेकिन मॉक करना और बात है। मेरा नहीं ख्याल था कि इस पे इतना रिएक्ट किया जाएगा। और मुझे ये बताया गया कि अभी तो कल रिटायर हुए हैं वो, और आप लगे हुए हैं उन्हें मॉक करने। और यू वॉन्ट बिलीव के मैंने, जिन साहब ने मुझे फ़ोन किया ना, इतना काइंड था वो बंदा, इतना नाइस, इतना नफीस, जिससे अंदाज़ा कर लें। मैंने कहा मैं भी 4 हाथ आगे जाता हूँ इस बंदे की, इस कदर ये कर्टसी शो कर रहा है। और उसने कहा कि मेरा ताल्लुक छोड़े, जिससे भी था, जिस शहर से था, जिस इदारे से था, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हाथ थोड़ा सा हौला रखें। मैं कहा डन, नो प्रॉब्लम, हाउ एवर मैंने आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा जी ज़रूर पूछें। मैंने कहा मैं तो हफ्ते के 11-11 शोज करता हूँ, पता है ना आपको, हमारे टोटल शोज 11 हैं जी। तो मुझे गाइडलाइंस चाहिए, बहुत सारे शोज मैं खुद प्रीव्यू नहीं करता, मेरी टीम करती है, शकील साहब करते हैं, अली हसनैन वगैरह करते हैं, हसनैन अहमद करता है, फिर हमारे प्रोफेसर लियाकत करते हैं जी। तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। एक गाना था जो पहले हो चुका है, 27 नवंबर को हमने गाना किया था बाबर हाउस में। तो मुझे एक ऐसी एनालॉजी महसूस हो, तो बाबर चूंकि एक नौदौलता था और अपना आप छुपाता था, ऐसा ही है ना भाई, बाबर का जो कैरेक्टर है ऐसा ही है, क्योंकि इसका असली नाम बाबर था, बाबर सिद्दीक नाम है, बाबर फतेह अली हम इसलिए कहते हैं कि ये नुसरत फतेह अली का रूहानी शागिर्द है। तो बाबर हाउस में वो गाना हो चुका था इस झगड़े से बहुत पहले, और ये एक्सप्लेनेशन मैं अपने व्यूअर्स को दे रहा हूं कि बदनीयती से अगर होता तो मैं इसके ऊपर कोई, मैं हटधर्मी का मुजाहरा करता कि नहीं जी नहीं, हमने जो किया ठीक किया, ये हमारा जमहूरी हक है। हमने परवेज मुशर्रफ, अभी उसने वर्दी नहीं भी उतारी थी तो हम सब उम्मीद से हैं, अगर आपको याद हो उसमें क्या क्या कुछ होता था, याद है कि नहीं जी सर? गो के इस पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा आया 2-3 दफ़ा, लेकिन होता था। जियो में मैं था, परवेज मुशर्रफ को मॉक किया, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, मॉक करते थे। प्राइम मिनिस्टर अल्लाह उसका भला करे, मैं हमेशा उसके लिए बहुत अच्छे जज्बात का इजहार करता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी, ही वुड ऑलवेज से कि जनाब मेरी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं गई, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी आप मेरे साथ जो सलूक करते रहे हैं कभी नहीं। शहबाज शरीफ नेवर नेवर। एक दफ़ा नवाज शरीफ को किसी बात पे नाराज़ी हुई, राना सनाउल्लाह को उन्होंने भेजा, और राना सनाउल्लाह ने बड़ी शानदार बात की थी। मैं कहता कि जब मैं जाने लगा था ना तो मियाँ साहब आए और मुझे कहा ज़रा एक बात सुन के जाइएगा, मैं गाड़ी में बैठ चुका था, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ज़रा प्यार नाल गल करना, एहो जिहा बंदा इस गल ते रिएक्ट भी कर जाता होंदा। मैं रिकॉर्ड पे हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, और उसमें बातें मैंने नहीं की थी। अमानुल्ला सखावत नाज, इनके यहाँ एक बात है ना, और नामुराद, ये बड़े आराम से कह देते हो, और नामुराद और नामुरादा और नामुरादा, वो हमजा का तस्करा करते, हमजा आया मैं क्या और नामुरादा ऐ ना कर। तो इस पे उन्होंने एक माइंड की थी ये बात। फिर मैंने उसमें यह भी कहा कि दोनों कजन्स की आपस में बनती नहीं है, मरियम की और हमजा की, तो इसका इजहार भी आपको करना नहीं चाहिए था। ये एक चीज़ थी जिसपे मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें रान साहब आइंदा नहीं होंगी, रेस्ट एश्योर्ड। और दसो, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टिल आर बाय द वे। नवाज शरीफ के साथ तो आखिरी वक्त तक। ये तो फिर जब दीगर मामलात हुए ना, जब ये इक़्तिदार में आए, फिर मसाइल खड़े होने शुरू हुए, तो मैंने तनकीद की। मैं कभी इमरान खान के साथ नहीं था, नेवर, जितनी देर वो इक़्तिदार में भी रहा है। मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक भी था, आपके सामने है कि नहीं? ये सही। ये तो रजीम चेंज जब से हुई ना, और उसका खड़ा हो जाना मुझे अच्छा लगा। और उसका ताल्लुक किसी नज़रिए से नहीं है, रोमांस से है। मेरे जैसे बंदों के मसाइल होते हैं। फिर शहबाज शरीफ को एक दफ़ा एक इशू था, हमने उनकी आइली ज़िंदगी के बारे में कोई एक छोटी मोटी एक बात की, जैसे अक्सर होता है शरारतन। इमरान जब पहली दफ़ा आया मेरे शो में एज़ इमरान ख़ान, तो हमने बहुत छेड़खानियाँ की, हमने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा तस्करा किया, बड़े बड़े नाम लिए, वो शर्माता भी रहा, मुस्कुराता भी रहा, और बड़ा मज़ा भी आया। इट वॉज सच अ फैबुलस शो, आप निकाल कर देखिए, उसके ऊपर पड़ा है यूट्यूब पे। खबरनाक, खबरनाक ट्वाइस, वो 2 दफ़ा आया। आखिर क्या वजह थी कि फिर आया? उसे भी इतना मज़ा आया। शहबाज शरीफ ने लंदन से मुझे फ़ोन किया, एंड ही गेव मी द नंबर ऑफ हिज डॉटर कि आप उन्हें फ़ोन करके बता दें कि आपने ये बात इज़राह मजाक की थी, इज़राह तफन्नुन की थी, यार बच्चे सच समझ जाते हैं। And I did that। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, जहाँ तक इदारे का ताल्लुक है ये भी सुन लें, फौज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मैं तो नाम ले लेके बात कर रहा हूँ। वो बंदा बैठा है, उससे पूछ लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। जनरल बाजवा, आसिम बाजवा बाय द वे, नॉट दिस बाजवा, जनरल आसिम बाजवा ने एक मैसेज भेजा कि मैं घर आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ आपसे। ही केम, ही वॉज सच अ नाइस एंड सच अ काइंड ऑफिसर कि मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें गाइड भी की कि आप अपने रवा रवी में ना ये बातें कह जाते होते हैं, ये ना कहा करें, लेकिन योर शो इज़ वेरी गुड। एंड यू नो व्हाट ही ब्रॉट फॉर मी, कुर्ताज, ब्यूटिफुल कुर्ताज, कि तुम्हें ये रंग बिरंगे कुर्ते पहनने का बड़ा शौक है। और इंसिडेंटली जो इस रंग का वो कुर्ता खास तौर पर लाए थे वो यही था जिस जो मैंने आज पहना हुआ, नेवी ब्लू, ये इत्तफाक से नेवी ब्लू। तो उन्होंने कहा कि वाना में जैसे हमने किया था ना ऑपरेशन, हम फिर से करने जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं खबरदार किया करता था उन दिनों, मैंने कहा जनरल साहब 6 बंदे हैं मेरी टीम के, 7वां मैं हूँ, हमें 7 वर्दियाँ भेजें, वर्दियाँ। फिर हम आपको वहाँ आके बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं तो इनकी ट्रेनिंग भी कर दूंगा शूटिंग वूटिंग की, मैं खुद शूटर हूँ। तो ही वॉज सो हैप्पी। आज भी जब भी मिलते हैं, जब भी तस्करा होता है, ही ऑलवेज रिमेंबर्स दोज वंडरफुल थिंग्स। फिर उसके आगे जनरल फैज़ के साथ मिलकर हमने काफ़ी सारा काम किया, ब्रिगेडियर आदिल के साथ मिलकर काम किया, ही वॉज सेक्टर कमांडर है। ब्रिगेडियर राशिद के साथ 2-3 चीज़ों के ऊपर आई ऑलवेज हेल्ड वंडरफुल ओपिनियन ऑफ हिम। उन्होंने एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मुझे वार्न किया था ऑन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स पे, एंड ही वॉज राइट। 3 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, बेहतरीन मुलाकात। वो राशिद भाई और आफ्ताब भाई वाली वो सारा सिलसिला था। ISPR इनका जो एक मेन इदारा है, उसके अंदर जो अफसरान बैठे हैं, आसिफ गफूर साहब के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरल आसिफ गफूर, और यही वजह कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को बहुत तरक्की दी है और अब ये और देगा इंशाल्लाह। उसका अंदाज़ तख़ातुब भी अजीब है, वो लुत्फ़ आ जाता है उसकी बात सुन के, जिस तरह वो आपको एड्रेस करता है। और माशाल्लाह इज़ सच अ रिमार्केबल ऑफिसर। आई ऑलवेज टुक प्राइड इन जनरल फैज़ ऑल्सो, आई स्टिल एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। रिटायर होकर हमारे और ज़्यादा करीब, पहले तो बेचारे बिल्कुल ये कोकून में चले गए थे, हालात ही ऐसे थे पिछले 8 महीने। मैं बावजूद उनसे रब्ता नहीं कर रहा, एक तरह की मेरी नाराज़ी है, अंदाज़ा करें मेरी नाराज़ी है उनके साथ। क्या नाराज़ी? ये जिन दिनों बड़े मसाइल थे ना, उन्हें पहले पिशावर भेजा गया, पिशावर से फिर बहावलपुर। तो जब वो बहावलपुर आए तो मसाइल काफ़ी सारे थे, तो उन्होंने अपने नंबर्स ऑफ कर दिए। मेरे पास नया नंबर नहीं था। मैं तो बहुत दुखी हुआ जब मैं शिकार पे गया हुआ था, ये पिछले दिन हुई जी, तो वहीं पे, चूंकि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम चकवाल, ही कॉल्ड अ फ्रेंड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड फ्रॉम चकवाल, एंड आई जस्ट सॉ हिज नेम जनरल फैज न्यू। मैंने कहा यार देख लो, जनरल साहब ने मुझे नया नंबर नहीं दिया, तुम मेरी तरफ से गिला करना। उसने यकीनन किया होगा, उन्होंने फिर मुझे नंबर नहीं भेजा। हालांकि नेक्स्ट डे मेरे पास एक और सोर्स से नंबर आ गया था, मैंने आज तक उन्हें फ़ोन नहीं किया कि मैं अगर खड़ा नज़र नहीं आ रहा तो बैठा नज़र क्या आऊँगा। लेकिन जब जरदारी साहब ने बदतमीज़ी की थी, खुडे लाइन की बात की थी, आई डिफेंडेड हिम, आई सपोर्टेड हिम फ्रॉम दिस सीट। मैं यहाँ बैठा हुआ था और वो वायरल हो गया था वो छोटा सा क्लिप। वो एक बहादुर आदमी है, एक जर्नैल है हमारा, उसने बड़ा काम किया, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जब तक वो जर्नैल है, जब तक वर्दी पहनी हुई, उसने सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वर्दी उतार देगा तो वो एक सिटीज़न है, तुम रज के तनकीद करो। क्योंकि मैंने चंद दिन पहले, जिस पर हमने बाजवा साहब के बारे में काफ़ी मखौलिया बातें की थी पंजाबी शो में, मैंने कहा था कि जब आप किसी अफसर का तस्करा मौकरी के साथ या रिडिक्यूल या किसी और तरह से करते हैं और वो वर्दी में होता है ना, और ख़ास तौर पे वो सरबराह है या एक बड़ी अहम पोजीशन पे है, तो ये डिमोरलाइज करती है सबको। वो हम नहीं करते, हमें करना चाहिए नहीं, हमें दबे लफ्ज़ों में भी नहीं करना चाहिए। फिर ब्रिगेडियर शफीक, ही इज़ सच अ लवली फ्रेंड, सच अ डियर फ्रेंड, लाइक अ बेबी ब्रदर। और जब कप्तान था यहाँ पे ADC-2 जनरल खालिद मकबूल, मेरा उसका याराना तब से है और मैं जनरल खालिद का मोस्ट फेवरेट होता था। वो बैठे हैं जनरल खालिद, पूछ लें, फ़ोन करके पूछ लें कि आउट ऑफ ऑल दीज यंग कॉलमनिस्ट आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद था। मुशर्रफ साहब वुड कॉल मी नवाए वक्तिया, ओए नवाए वक्तिये, समझा आपने चीफ एडिटर को, इस तरह ना किया करे। वो एक अंदाज था तखातुब का, मज़े का। जनरल राशिद कुरैशी के साथ गपशप रहा करती थी, एक अच्छी, बहुत अच्छी। फिर इनमें से बहुत से अब्बा के साथ भी उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे। ब्रिगेडियर गजनफर जो इन सबसे पहले हुआ करते थे, जब ताज़े ताज़े जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए, वो भी मौजूद है। ज़रा ब्रिगेडियर गजनफर से पूछिए, यू नो हु वाज ब्रिगेडियर गजनफर? सेक्टर कमांडर लाहौर। तो मैं तो थ्रू आउट बड़े अच्छे रिलेशंस इनके साथ रहे मेरे, थ्रू आउट। यहाँ आके गलतफहमी क्या हुई, मैंने एक हमाकत कर दी, यूँ समझो मेरे हाथ से हमाकत सरजद कैसे हुई कि वो बंदा जो मुझसे प्यार मोहब्बत से पूछ रहा है, वारी सदके भी जा रहा है। मैं अब ये बता देता हूँ आपको क्यों वारी सदके जा रहा है, इसका ताल्लुक ओकाड़ा से था। ओके, ही वाज अ वेरी गुड ऑफिसर, आई फेल्ट वेरी गुड। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, मैं आपको एक शरारत मैंने की है, वही जो इसके ऊपर गाना बनाया था उसके ऊपर, जनरल बाजवा की सिविलियन लिबास में, सारे सिविलियन लिबास में, एक भी वर्दी नहीं। वो मैंने लगा के, मैंने कहा कि मैं ये लगा दूँ और डिजिटल पे ये चला दूँ, मुझे आप अपनी राय दें। मेरे अल्फाज मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, व्हाट्सएप आपने भी नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा। ये अपने सुपीरियर्स के साथ भी डिस्कस कीजिए और मुझे गाइड कीजिए कि हमें क्या करना है, किस हद तक, व्हाट आर द लिमिट्स, किस हद तक क्रिटिसाइज करना है, किस हद तक मॉक करना है। नॉर्मली हम नहीं पूछते, लेकिन ये चूंकि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो बहुत चार्ज्ड है, चार्ज्ड ये आबो हवा बड़ी चार्ज्ड है, इसमें मुझे पूछना पड़ता है। तो मैं क्या देता है, अच्छा जी हाथ वाला रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये ना चलाता। मैंने ये वैसी एज अ गुड विल जेस्चर, बिलीव मी, एज अ गुड विल जेस्चर, वो पुट्ठा पै गया। उन्हें भेज दिया कि देख लें, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ कि मैं ये नहीं चलाऊंगा, लेकिन क्या किसी स्टेज पे आगे चल के ऐसी चीज चलाने देंगे आप हमें। वो ऐसा पैनिक बटन ऑन हो गया, उन्होंने कहा जनाब ये तो आज खबरहार में चलने लगा है, क्योंकि उसके साथ बम्पर्स लगे हुए थे खबरहार के। अब ये नहीं पता कि जो डिजिटल पे मैं चलाता था वो भी खबरहार ही होता था, अब उसके साथ मैंने डिजिटल ऐड कर दिया। तो मैं जंगलों में था, मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश की गई होगी, पैमरा ने भी की होगी, मेरे हेड ऑफिस ने भी की होगी, शायद इदारे की तरफ से भी किसी ने करने की कोशिश की हो, मेरा फ़ोन जवाब ही नहीं दे रहा था। वापस आया हूँ तो पता चला जनाब आप वापस भी शहर में आया, आई वॉज स्टिल देयर, मैंने अगले दिन शिकार करके वापस आना था। तो मुझे बताया गया जनाब आप ऑफ एयर हैं, कम से कम आज का दिन और कल का दिन, तो बाकी अगला हफ्ता शुरू होगा तो फिर देखेंगे। मैं चुप करके बैठा रहा, मैंने कहा ओके गलतफहमी होगी, रफा हो जाएगी। देन आई वाज टोल्ड कि नहीं जनाब यू आर ऑफ साइनेडाई, साइनेडाई ता हुक्म सानी, ये भी हो सकता है टिल इटर्निटी। तो महरूम एक साइजेबल नंबर पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन्स का, क्योंकि सीनियर सिटीजन ज़्यादातर टीवी पे ही देखते हैं, वो फ़ोन पे कम देखते हैं। हमारी वो ख़वातीन, हाउसवाइफ्स, बुजुर्गान, वो उससे महरूम रह जाएंगे। नहीं सर, अब सबके घरों में स्मार्ट टीवी नहीं, यंगस्टर्स तो खैर नेसेसरली वो देखते हैं, वो तो फ़ोन पे देख लेते हैं, लेकिन सबके घरों में स्मार्ट टीवी। अरूबा आई एम सेइंग कि मुझे अफसोस इस बात पे है ना कि ये ना करदा गुनाह था, लेकिन मैंने इसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझा। ये सिर्फ आजमाइश है, अगर ये शो कभी नहीं ना आता, नेवर सीज द लाइट ऑफ डे, बखुदा इतनी सी भी मुझे रंजिश, इतनी सी भी नदामत नहीं होगी। ये नदामत ज़रूर होगी कि एक बात जो खामखा मिसअंडरस्टूड थी। हाँ, फिर हमने एक शो ये भी किया था बुला के हाजी साहब बीच में, तो भाई दैट वाज नॉट इन बैड टेस्ट। हाजी साहब और एक बिट्टू भाई बना लिए थे। अब मेरे शो का एक स्टाइल है, मेरा शो इसी तरह की चीज़ें करता है। मेरे शो में सिर्फ टॉक नहीं होती, शरारतें होती हैं, छेड़खानियाँ होती हैं, फीलिंग्स हर्ट करना मकसद नहीं होता। हाउएवर तनकीद जो है वो तो करनी है, वो तो चलेगी आगे चल के, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी फौरी आखिर नहीं आनी चाहिए थी। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पर, कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए था। और अगर अहमद नूरानी की कहानी जो बड़ी लर्जाखेज कहानी है यार, हमारे COAS के बारे में, हमारे आर्मी चीफ के बारे में, जिसको भंड रहे है पूरा इंडिया, गोस्वामी टाइप कैरेक्टर्स, तो उस पर हमारा खून खौलता है। हमें अगर इतना सा जवाब भी मिल जाए ना कि ये किस तरह गलत है, तो फिर हम आपके भंपू बन सकते हैं, हम आपके माउथ पीसेस बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्रिएट हुई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री।